ओके गाइस, अब तक इनहेरिटेंस से और इज अ रिलेशनशिप से सारे लोग फैमिलियर है, राइट? है ना बेटा? जो लास्ट में इसको बंद कर दे गेट, जरा डिस्टर्बेंस होती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सुपर टाइप से बिहेवियर या फील्ड्स इनहेरिट होके चाइल्ड टाइप का पार्ट बन जाती है, राइट? या सब टाइप का पार्ट बन जाती है, करेक्ट? इधर रिलेशनशिप का फंडामेंटल क्या है कि अगर मैं कहूंगा कैट इज एनिमल, डॉग इज एनिमल, है तो मैं क्या कह सकता हूं कि एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल यूज करूं, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल भी कह सकता हूं, इफ एनिमल इज अ क्लास, न्यू कैट भी कह सकता हूं, न्यू डॉग भी कह सकता हूं, ये जितने भी सब टाइप है उन सबके ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकता हूं एनिमल यानी सुपर टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से, करेक्ट? ये कंसेप्ट क्लियर है सबका। एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट थी कि जब आप उसमें ये सोचेंगे कि रन टाइम में डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो होगा वो किस एंटिटी के मेथड पे होना चाहिए, सुपर टाइप के कि सब टाइप के, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला डिक्लेरेशन नहीं देखेंगे बल्कि राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के पास जो नियरेस्ट मेथड होगा वो कॉल होगा। नियरेस्ट मेथड से क्या मतलब था? फॉर एग्जांपल एनिमल में ईट का एक मेथड डिफाइंड है बेस क्लास में, ठीक है, विच सेज एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, राइट? ऐसे करा था हमने। फिर लायन क्लास आ गई, राइट? लायन ने क्या करा कि उसने अपना ओवरराइड करके ईट मेथड को डिफाइन करा, लायन इज ईटिंग मीट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एक टाइगर सब क्लास आई लायन की, यानी टाइगर एस्टेंट लायन, लायन एस्टेंट एनिमल, ये रिलेशनशिप बन रही है। टाइगर इज अ लायन, टाइगर इज ऑल्सो एन एनिमल, क्लियर है? अब टाइगर में अगर आप ईट मेथड को फिर से ओवरराइड कर देंगे और उसकी नई इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे और मैं फिर कहूं एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू टाइगर जो कि थर्ड लेवल का चाइल्ड है, तो उस कंडीशन में ए डॉट ईट मेथड जो कॉल जाएगी वो किस पे जाएगी, टाइगर वाली में जाएगी, क्योंकि टाइगर में आपने ओवरराइड कर दिया है, एनिमल रेफरेंस टाइप आपने बनाया है। ध्यान रखो, मैं दिखाई देता हूँ फिर से अगर आप भूल गए तो। किस में बनाया है ये देखना पड़ेगा एक बार, ये देखिए। ये तो कंस्ट्रक्टर एनिमल का, राइट? अगर इसमें ईट मेथड होता पब्लिक वॉइड ईट, राइट? फाइन। ये इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब चलते हैं लायन में। लायन एस्टेंट्स एनिमल, अब यहां पे हम क्या करें, लायन में ईट मेथड हम चाहे तो चूज करें उसको ओवरराइड करने का, चाहे तो छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो लायन के पास कौन सा, हाँ डिफॉल्ट ईट मेथड आ रहा है, डिफॉल्ट क्या मतलब इनहेरिट होकर के आ रहा है और फिर कंट्रोल उसी के पास जाएगा, ठीक है। अगर मैं चूज करता हूँ ईट मेथड को ओवरराइड करने के लिए, ईट मेथड, तो लायन ईटिंग मीट, फाइन। लेट मी से देयर इज अनदर चाइल्ड टाइगर, न्यू क्लास टाइगर एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम, ये देखिए सुपर क्लास आपको बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ही बनता है, राइट? अगर कोई भी उसका पैरेंट टाइप नहीं है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लाइन बनाना है, राइट? ब्राउज करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली। करेक्ट? अब इसमें ईट मेथड में डिफाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, ईट, ऐसे आप करें अपने आप को स्केलेटन तो प्रोवाइड कर देगा,
सिस्टम डॉट प्रिंटलन टाइगर ईटिंग मीट फाइन ठीक है। नहीं नहीं ये मैं ऑटो जनरेट कर रहा हूँ इसलिए लिख करके आ रहा है, आप लिखने चाइना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवरराइड एनोटेशन होता है, इसको एनोटेशन बोलते हैं। एनोटेट करना आप समझ रहे हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को बताना है ना। तो ये बेसिकली वो कोड नहीं है जो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने वाला कोड नहीं है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में कोई आउटपुट है या कुछ फंक्शन है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। हाँ ये कमेंट से अलग है, कमेंट से अलग इस तरह है कि जो आपके आईडीज वगैरह, जैसे ये आईडी आपका है या कोई फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, तो ये एनोटेशन से पढ़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ठीक है। उनको पता चलता है कि नेचर ऑफ मेथड क्या है या नेचर ऑफ क्लास क्या है ठीक है। तो एनोटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कमेंट ठीक है, ठीक है। बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमवर्क मोस्टली विल सी ठीक है। तो ये हमारे तीनों इम्प्लीमेंटेशन, तीनों क्लासेस में एट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है। अब अगर हम टेस्ट जू क्लास के अंदर जाएं, एंड लेट मी कमेंट एवरीथिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है, सभी कुछ कमेंटेड है। तो इस रिलेशनशिप का मतलब आपको बताया था कि सिंपल सी बात है, आप वेरिएबल पैरेंट क्लास का यूज करें या सुपर टाइप का यूज करें, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यू एनिमल राइट, लेट मी से A1 ठीक है, ठीक है। A1 डॉट ईट मैंने कॉल कर दिया, वो प्रिंट कर देगा ठीक है। एनिमल A2 इक्वल टू न्यू लाइन ठीक है, A2 डॉट ईट ठीक है। फिर एनिमल A3 इक्वल टू न्यू टाइगर, नाउ A3 डॉट ईट, तीनों का आउटपुट जल्दी जल्दी बताइए मुझे क्या आएगा। पहला आएगा एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, दूसरा आएगा लायन ईटिंग मीट, तीसरा आएगा टाइगर ईटिंग मीट। तीनों का अपना अपना मेथड कॉल होगा, यानी टाइप आपका सुपर टाइप तीनों एनिमल का ही है, लेकिन डायनेमिकली जब मेथड डिस्पैच होगा तो जिस क्लास का मेथड है उसके पास, जिसको ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके पास डिस्पैच होगा राइट। क्लियर है ना, ईट मेथड जब कॉल जाएगा तो ईट मेथड टाइगर का चूंकि ऑब्जेक्ट बनेगा रन टाइम पे, तो रन टाइम में जो कॉल होगा डायनेमिकली, रन टाइम पे डायनेमिकली होता है ना, डायनेमिक मेथड डिस्पैच इसी को कहते हैं ना, या डायनेमिक बाइंडिंग जिसे कहते हैं। तो ईट मेथड का जो A3 के साथ बाइंडिंग होगी है ना एट द रन टाइम, वो कंट्रोल कहाँ ले जाएगा, टाइगर वाले ईट मेथड पर। और यहाँ पे A2 के साथ जो बाइंडिंग हो गई वो कंट्रोल कहाँ ले जाएगा, डायनेमिकली लॉइन वाले ईट मेथड पर ठीक है। तभी तो हमने ओवरराइड करके डेफिनेशन को चेंज करी है, वरना एनिमल वाला तो एक इनहेरिट होके आ ही रहा था हमारे पास है ना, ईट मेथड, क्योंकि लॉइन इज अ चाइल्ड ऑफ एनिमल एंड टाइगर इज चाइल्ड ऑफ लॉइन। तो ईट मेथड जो एनिमल में डिफाइंड है वो तो इनहेरिट होके सबके पास आ रहा है फाइन, लेकिन अगर हम दोबारा से इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, यानी ओवरराइड कर रहे, ओवरराइड करने का मतलब पुराने डिफिनेशन को चेंज कर देना, काट देना, स्ट्राइक आउट कर देना, नई चीज प्रोवाइड कर देना एनिमल के फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं जो कि एनिमल के अंदर डिफाइंड है। देखिए इस साइड का मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया है, इस साइड का मतलब सिर्फ ये है कि A1 डॉट अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ईट मेथड दिखेगा, और जो कि एनिमल का पैरेंट क्लास सुपर क्लास जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्सल सुपर क्लास, उसके सारे मेथड दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर
मैंने टाइगर में एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करा है, एक्सटेंशन मतलब समथिंग न्यू, है ना। से फॉर एग्जाम्पल हंट मेथड, ठीक है, पब्लिक वर्ड हंट प्रोवाइड कर दिया आपने, टाइगर इज हंटिंग, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो आपका टेस्ट जू है, अगर मैं इसको A3 यूज करूं, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, ऑब्जेक्ट किसका होगा, टाइगर का बनेगा रन टाइम पे, राइट। तो इस पे अगर मैं कॉल करना चाहूं हंट मेथड, तो मुझे हंट मेथड नहीं दिखेगा, हंट मेथड नहीं देखा, इस जमाने में हैश कोड आ रहा है, नहीं आ रहा, हैश कोड ऑब्जेक्ट से आ रहा है, राइट। हंट मेथड मुझे नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एनिमल रेफरेंस वेरिएबल है, जितने मेथड यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस उसमें डिफाइंड है, उस प्रॉमिस के अलावा कुछ और आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये कंपाइल टाइम पे चेक हो रहा है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को नहीं पता कि आज इसका सब क्लास टाइगर है, और टाइगर का भी कोई आप सब क्लास निकाल के रख दें यहाँ पर, उसमें कोई और एक्सटेंशन डिफाइन कर दें, है ना। तो अगर ये आपको अलाउ करता कॉल करने के लिए सब क्लास का भी, तो फिर क्या होता, उसको क्या पता कि आगे आप क्या करने वाले हैं। हाँ, एक तरीका जरूर आपको दिखाया था मैंने कि कास्टिंग आप कर सकते हैं, यानी एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल को आप कास्ट करके बताएं कि नहीं ये रन टाइम में टाइगर का ही होने वाला है, और फिर उस पर आप वो मेथड कॉल करें तो आपको कंपाइलर अलाउ करेगा कॉल। ये मैंने दिखाया था प्रीवियस क्लासेस में, कोडेड है आपके पास, ठीक है। बट इन दैट केस अगर आपने गलत बता रखा है तो रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगी आपको, यू आर कास्टिंग इनटू द रॉन्ग क्लास, ठीक है। अगर रन टाइम में उसको सच में उस जिस क्लास में आप कास्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। और ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं किसी मेथड के कॉल के थ्रू आपको रिसीव हुआ वो ऑब्जेक्ट, है ना, और उसकी लॉजिक के हिसाब से वहाँ पे डायनेमिक बिहेवियर है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, आपने अजम्पशन गलत करा, ठीक है, उस कंडीशन में क्लास का एक्सेप्शन आ जाएगा। एक कोड आपको वो भी याद होगा जब मैंने दिखाया था कि आप कीबोर्ड से ले रहे हैं कि एनिमल का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, कि लॉयन का ऑब्जेक्ट बनाना है या टाइगर का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो तो कीबोर्ड से आप डायनेमिकली रन टाइम दे रहे हैं ना, वो आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। उस कंडीशन में आपने गलत ऑब्जेक्ट बना दिया, कास्टिंग किसी और में कर रखी है, तो क्या होगा, क्लास का एक्सेप्शन हो जाएगा, दैट्स अ एक्सेप्शन एट द एक्सेप्शन इनफैक्ट रन टाइम पे ही आता है आपका, ठीक है, दैट्स अ क्लास का एक्सेप्शन हो गया मेरे बाद। तो उसको अवॉइड करने के लिए कास्टिंग इज नॉट अ गुड टेक्निक, ठीक है, वो मजबूरी की चीज है, ठीक है, आप कास्टिंग को हैबिट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो अभी A3 में आपको जो टाइगर का एक्सटेंशन है विच इज द हंट मेथड, वो नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ वही दिखेगा जो कुछ एनिमल के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि प्रॉमिस जो कुछ कर रखा है एनिमल ने, रेफरेंस वेरिएबल जो कि एनिमल का है, तो एनिमल के ही मेथड या वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे या कॉल करने देगा कंपाइलर आपको, अदरवाइज यू विल गेट अ कंपाइलेशन एरर, ठीक है। इधर वाले साइड का यानी राइट साइड वाला न्यू के साथ जो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए है ना, राइट साइड इक्वल टू राइट साइड वाला कोड, वो कभी पहली लाइन में आपने देखा लाइन नंबर 12 में एनिमल का ऑब्जेक्ट बना रहा है, लाइन नंबर 14 में लायन का ऑब्जेक्ट बना रहा है, लाइन नंबर 16 में टाइगर का ऑब्जेक्ट बना रहा है, और उनके करस्पॉन्डिंग जो आपने सब्सिक्वेंट कॉल्स दी हैं A1.eat, A2.eat, A3.eat, इन सबके जो कॉल जाएंगे किस पे जाएंगे, A3.eat का टाइगर वाले ईट मेथड पे जाएगा, ठीक है, A2.eat का लायन वाले ईट मेथड पे जाएगा, A1.eat का एनिमल वाले ईट मेथड पे जाएगा। एक बार रन करके आप देख लीजिए, पहला एनिमल, दूसरा लायन, तीसरा टाइगर का आउटपुट आना चाहिए। कंस्ट्रक्टर भी मैंने लिख रखा था, उसमें कुछ प्रिंट कर रखा होगा इसलिए उससे आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज एनिमल ईटिंग एनिमल फूड पहला आउटपुट आया आपका, फिर लॉयन ईटिंग मीट दूसरा आया, ठीक है, फिर तीसरा टाइगर ईटिंग मीट आया है, ठीक है, करेक्ट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार कंस्ट्रक्टर हटा दे रहा हूँ, दोबारा से आप एक बार रन कर देता हूं। आप ठीक है, करेक्ट, देख लो भाई, सही है ना।
अब ये बताइए कि मान लीजिए टाइगर जो क्लास मैंने डिफाइन कर रखा था, इसमें मैंने ईट मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है। अब टेस्ट जू में a3.eat अभी भी चल रहा है, आउटपुट क्या होगा? लास्ट लाइन का होगा। लाइन का क्यों हुआ? नियरेस्ट इंप्लीमेंटेशन। अगर टाइगर के पास अपना इंप्लीमेंटेशन ओवररिटन मेथड होता ईट का, तो वो उसका नियरेस्ट होता है ना। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो ईट मेथड होगा वो उसका नियरेस्ट होगा। उसमें नहीं होता तब कहाँ होता? एनिमल क्लास में चेक करता, वो उसका नियरेस्ट होता, ठीक है। तो सिंपल, तो जैसे हर बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपसे कहूँ मैं चेयर दीजिए, तो आप चेयर अपना नियरेस्ट वाला पहले उठा के देंगे, वो नहीं अवेलेबल है तो बीच वाला है वो उठा के देंगे, वो अवेलेबल नहीं है तो एकदम लास्ट में जाकर के उठा के लगा देंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट वाला रूल अप्लाई आपको करना है, ठीक है। देखिए लाइन ईटिंग मीट, तीसरा आउटपुट यही आया, राइट। कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो गया। तो अब तक हमने देखा कि एक क्लास का जो सुपर टाइप होता था वो दूसरी क्लास होती थी, सिर्फ क्लास के फॉर्म में देखा है कि भाई एनिमल भी क्लास है, लायन भी क्लास है, टाइगर भी क्लास है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट जो सबका सुपर क्लास है वो भी एक क्लास ही है, ठीक है। इस क्लास को हम बोलेंगे कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास, कंक्रीट मतलब जहाँ पे झोल मोल कुछ ना हो, ठीक है, एकदम ठोस, हर चीज अवेलेबल है, परफेक्ट है। बेटा गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो बेटा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस ज्योमेट्रिकल शेप सिमुलेटर, इसमें आपको याद होगा एक थी 0.2D क्लास, जिसमें एरर दिख रही है मुझे, मैं इन सबको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिए 0.2D क्लास था आपका, इसमें x और y कोऑर्डिनेट थे, उनके गेटर सेटर मेथड थे, टू आर्क और नो आर्क कंस्ट्रक्टर था। टू आर्क कंस्ट्रक्टर क्या करता था? जिन पैरामीटर्स को आप में जो वैल्यू रिसीव हो रही है आर्गुमेंट के जरिए, उनको x और y की जगह प्लेस कर देता था, राइट। अगर 2, 3 आपने पास किया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट का जो x और y है 2 और 3 सेट हो जाता था, राइट। आपने कुछ पास नहीं किया, नो आर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, तब क्या हो गया? 0, 0 सेट हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा था कि 0.3D क्लास हमने बनाई थी, फाइन, इसको एक्सटेंड करा था 0.2D से, और इसमें सिर्फ एक डायमेंशन जेड ऐड करा था उसके गेटर सेटर्स से। जैसे 0.2D में 2R कंस्ट्रक्टर था, वैसे 0.3D में 3R कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों पास हो रहा है कोऑर्डिनेट, और सिंपली एक नो R कंस्ट्रक्टर था जिसमें आप कुछ भी पास नहीं कर रहे तो तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड ओरिजिन यानी जीरो पे सेट हो जा रहा था, राइट, याद है। तो 0.3D इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 0.2D विच इज अ कंक्रीट क्लास। आप क्या कह रहे हैं? 0.3D इज 0.2D, ठीक है। अब नाउ लेट मी से कि मैं एक नई एंटिटी बनाने जा रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्ट यूज करके, एंड आई एम ट्राइंग टू नॉट यूज क्लास बट रादर आई एम गोइंग टू यूज द इंटरफेस, सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे क्लास होता है वैसे कुछ आपके पास क्या है? इंटरफेस है, तो आपको यूज करना है इंटरफेस। इसका देखिए आप आइकन देखिए, ब्लू कलर के आई से लिख करके आ रहा है, राइट, है ना। आ जाओ, गेट बंद कर दो बेटा।
ठीक है, इसका नाम हमने दिया पॉइंट, नॉट 2D पॉइंट, नॉट 3D पॉइंट, जस्ट पॉइंट। ठीक है, हो सकता है कल को मैं अपना एप्लीकेशन मैं मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट्स के लिए बनाना चाहूँगा, हो सकता है 4 डायमेंशनल पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स है। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो देखिए अभी क्या आपके सामने बन के आ रहा है, पब्लिक यहाँ क्लास लिखा होता था, यह इंटरफेस लिख करके आ रहा है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, दैट मीन्स द पॉइंट, वो लिख करके आ रहा है। ठीक है, अब इसमें और क्लास में एक मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि इसमें जितने भी बिहेवियर यानी मेथड्स या फंक्शंस आप डिफाइन करेंगे, वो मेथड्स या फंक्शन जो होंगे फुली डिफाइंड नहीं होंगे, वो सिर्फ डिक्लेयर्ड होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ डिस्क्राइब पॉइंट, ठीक है, और कैमल केस मैंने यूज किया है नाम के कन्वेंशन में, राइट, लेट्स से इट्स पब्लिक वर्ड डिस्क्राइब पॉइंट, और ये कुछ भी ले नहीं रहा है, राइट, तो अगर मैं इसकी बॉडी देने की कोशिश करूंगा तो मुझे कंपाइलेशन एरर मिलेगी। क्या कह रहा है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, है ना, मतलब ये मेथड को क्या कह रहा है कि जो मेथड आप लिख रहे हैं डिस्क्राइब पॉइंट, ये अब्स्ट्रैक्ट है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। ठीक है, क्या टर्म इसने यूज किया, अब्स्ट्रैक्ट यूज करा इसके लिए, इस मेथड के लिए, और कहा कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड की आप बॉडी प्रोवाइड ना करें। अब तक हम क्लास में क्या करते थे, कोई भी मेथड बनाते थे, ऑफकोर्स उसकी बॉडी में प्रोवाइड करनी है, वरना करेगा क्या, वो स्टेटमेंट लिखने हमको। तो जब इंटरफेस में जब आप कोई मेथड बनाएंगे तो आप सिंपली इसको यहाँ पर ऐसा छोड़ देंगे यहाँ तक, और यहाँ सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे, देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, यानी ये कंप्लीट डिफिनेशन मेथड का नहीं है। जब मेथड की कंप्लीट डिफिनेशन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ठीक है, डिफिनेशन का मतलब बॉडी भी होती साथ में, ये डिक्लेरेशन है ना, सिग्नेचर से आप डिक्लेयर कर रहे हैं। सिग्नेचर से भी आपको बहुत कुछ पता चलता है, सिग्नेचर से आपको ये पता चलता है कि जो रिटर्न टाइप है, जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक है, जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, डिस्क्राइब पॉइंट जो नाम है, नाम अपने आप में काफ़ी कुछ वर्बोस है, आपको बता रहा है कि भाई इसका आप पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि पॉइंट कौन सा है, है उसके हिसाब से आप डिस्क्राइब करेंगे ना। अभी तो मैं जब मैं सिर्फ सिंपली एक पॉइंट कह रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2D पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 3D पॉइंट और 4D पॉइंट और एनी मल्टी डायमेंशनल पॉइंट, आई एम नॉट श्योर, राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट इन अ वेरी अब्स्ट्रैक्ट वे, इन अ जनरल वे, राइट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने प्रेजेंट किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर दिया। ठीक है, द सेम वे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए कि जैसे आप एक कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं ना, तो रिसर्च पेपर में कभी पढ़ा है किसी ने, कोई भी रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा है, अच्छा बुक्स तो पढ़ते हैं, बुक्स में पहले कुछ वो रहता है थोड़ा सा, बुक के में क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं तेज बोलो बेटा, ओवरव्यू नहीं, बुक में एक सेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एक सेक्शन होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि बुक में क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे डिस्क्राइब है, इंडेक्सेस तो अलग हो गया, एक समरी टाइप से होता है, राइट, समरी टाइप से होता है, तो वो क्या करने का काम करता है, वो सिर्फ ये करने का काम करता है कि आप बुक पढ़ने से पहले खोल करके समझना चाहें कि बुक से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, रिसर्च पेपर में भी जो अब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ उसमें यही होता है कि पूरे पेपर में क्या टेक्निक यूज करी है, किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट का कई की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको डिस्क्राइब सिर्फ करेगा, पूरी टेक्निक्स को डिस्क्राइब नहीं करने जाएगा वो। ठीक है, कैसे कैलकुलेशंस करें, कैसे रिजल्ट्स निकाले हैं, कैसे कंपेरिजन करा है, क्या उसका फाइंडिंग है, वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस नहीं करेगा, बस आपको एक आइडिया देगा कि भाई इस रिसर्च पेपर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, तो उसको उस सेक्शन को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, वो मुश्किल से एक पैराग्राफ का होगा, पेपर में गो एज लॉन्ग एज 6 to 12 पेजेस। ठीक है, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है आप कई सारी चीज़ें तलाश कर रहे हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो इस उस कंडीशन में आप ऐसा तो नहीं है कि हर पेपर को उठा के पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे, पहले आप शॉर्टलिस्ट करना शुरू करेंगे। शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, आप अब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे, पहले तो नाम को आपने देखा, टाइटल देखा पेपर का, टाइटल से कुछ आपको समझ में आया किस किस के बारे में है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आपको कुछ बता रहा है, राइट, डिस्क्राइब पॉइंट, कि मैं पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ।
ठीक है, फिर आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जानना चाहेंगे, तो आप ये जानना चाहेंगे भाई इसके अंदर कोई पैरामीटर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई रिटर्न टाइप है कि नहीं है, इसकी विजिबिलिटी क्या है। सिग्नेचर से तो यही मिलेगी ना आपको, अगर इस प्रोग्रामिंग कोड की बात करें तो वो उतनी ही डिटेल आपको दे रहा है जितनी डिटेल से आप कुछ इन्फर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली ये मेथड करेगा क्या वो बता नहीं रहा है, और वो न बताने का पर्पज ये है कि पॉइंट जो है वो खुद अपने आप में एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप फुली डिस्क्राइब कर पाए, क्योंकि आपको नहीं पता ये 2D पॉइंट होता है, दो कोऑर्डिनेट होता है इसमें, 3D पॉइंट होता, 3 कोऑर्डिनेट होता, एक कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट तो नहीं होता है, राइट? मल्टी डायमेंशनल पॉइंट होते हैं, उतने कोऑर्डिनेट होते हैं जितने डायमेंशन होते हैं, राइट? फाइन। तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा, उसको एक अब्स्ट्रैक्ट वे में डिक्लेयर करके मेथड को छोड़ दिया विद द सेमी कॉलन, एंड दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड इन इंटरफेस। इंटरफेस में इनफैक्ट आप जब बॉडी प्रोवाइड करेंगे तो आपको एरर होगा, कंपाइलेशन में एरर मिलेगी। और क्लास में अगर आप जाके देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट 2D क्लास में जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस सेटेक्स मेथड की बॉडी प्रोवाइड ना करूँ, ठीक है, और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दूँ, जैसे कि मैंने इंटरफेस में करा था, दिस इज अ कंक्रीट क्लास, पॉइंट 2D इज अ कंक्रीट क्लास, तो यहाँ पे मुझे कंपाइलेशन एरर मिलेगी, द मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन, यहाँ मुझे बॉडी चाहिए। क्लास आपको बिना बॉडी के कोई भी बिहेवियर डिक्लेयर करने के लिए परमिशन नहीं देगा, ठीक है, कंपाइलर आपको उसकी परमिशन नहीं देगा, आपको यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, तब जाके कोड आपको कंपाइल होगा। और इंटरफेस क्या कर रहा है, इंटरफेस आपको बॉडी डिक्लेयर करने की परमिशन नहीं दे रहा है ना, वहां चीज को क्या रखना है, अब्स्ट्रैक्ट ही रखना है। क्लियर हो गई बात? अब अगर हमने ये एक बिहेवियर को अब्स्ट्रैक्ट बनाया है, यानी जस्ट हमने फॉर द नेम से एक डिक्लेरेशन कर रखा है कि इस टाइप का मेथड होगा जिसका ये नाम होगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, ठीक है, जो सिग्नेचर में जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन देकर हमने छोड़ दिया है, तो कुछ तो पर्पज उसका होगा। अब पर्पज ये है कि जब आप एक्चुअल पॉइंट की बात करें, पॉइंट 2D की बात करें, पॉइंट 3D की बात करें, या फ्यूचर में अगर आप कोई मल्टी डायमेंशनल पॉइंट बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी वो बनाएं तो उसके अंदर वो पार्टिकुलर क्लास इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे उस हिसाब से जिस हिसाब से वो क्लास है, उस क्लास की कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं पॉइंट 2D क्लास के अंदर, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आऊं तो पॉइंट क्लास को मैं सुपर टाइप बनाना चाह रहा हूं, पॉइंट इंटरफेस को मैं सुपर टाइप बनाना चाह रहा हूं, राइट, पॉइंट इंटरफेस को मैं सुपर टाइप बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब सुपर टाइप कैसे बनाऊंगा, पॉइंट 3D क्लास थी उसका सुपर टाइप मैंने क्या बनाया था, पॉइंट 2D क्लास बनाई थी, कीवर्ड क्या लगाया था, एक्सटेंड्स, राइट, ये क्लास और क्लास की बात थी तो आपने एक्सटेंड्स लगाया क्योंकि ये क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, राइट। जब इंटरफेस की बात आएगी तो इंटरफेस में क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं, तो हम अगर एक क्लास से किसी इंटरफेस को अगर हम उसको सुपर टाइप बनाना चाहेंगे तो हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड ना लगा करके इम्प्लीमेंट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंस ज़्यादा बनाता है कि भाई वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उनके अब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर्स को, एक बिहेवियर भी हो सकता है, मल्टीपल बिहेवियर भी हो सकता है। अभी मैंने सिर्फ एक बिहेवियर बना के आपको पॉइंट इंटरफेस के अंदर दिखाया है, मल्टीपल बिहेवियर भी हो सकते हैं एज मेनी एज यू लाइक, ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 2D की मैं बात करूँ, इसमें मुझे चाहिए कि भाई मैं पॉइंट क्लास को इसका सुपर टाइप बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए एरर आनी शुरू हो गई है, जैसे मैंने ये लिखा कंपाइलेशन एरर आ रही है, और कंपाइलेशन एरर किस पार्टिकुलर वर्ड के नीचे है, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है रेड कलर से, है ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अभी पॉइंट के साथ कुछ है, क्या है इस पे लाइए, पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, क्यों, क्योंकि पॉइंट आपने डिक्लेयर करा है किस पैकेज के अंदर, कॉमन अंडरस्कोर शेप्स के अंदर, और पॉइंट 2D कहाँ है, पॉइंट 2D है टू डायमेंशनल एंटिटीज के अंदर, तो डिफरेंट पैकेज में होने की वजह से, चूंकि अगर हम पब्लिक नहीं लगाते हैं किसी भी क्लास या इंटरफेस के आगे, तो बेसिकली वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट का स्कोप जो होता है वो पैकेज लेवल होता है, यानी उसकी विजिबिलिटी पैकेज में होगी, यानी
अगर पॉइंट को मैंने या शेप को मैंने डिफॉल्ट रखा है, यानी कोई भी कीवर्ड उसके आगे पब्लिक यूज नहीं करा है, दो ही आप कीवर्ड यूज कर सकते, मतलब दो ही चीज आप विजिबिलिटी लगा सकते हैं क्लास के आगे, एक तो पब्लिक होगा, दूसरा डिफॉल्ट होगा। प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेथड्स और वेरिएबल्स में लगते हैं, क्लास लेवल पे नहीं लगेंगे, राइट, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट को शेप तो देख सकता है, ठीक है, शेप चूंकि उसी पैकेज के अंदर है, कॉमन सेंटर को शेप के अंदर, लेकिन पॉइंट को पॉइंट टू डी नहीं देख सकता है, क्योंकि पॉइंट टू डी दूसरे पैकेज के अंदर है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इम्पोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, सजेस्ट भी कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। जब भी कोई आप कंपाइलेशन एरर देखें, सबसे पहले हॉवर करके ले जाके कंपाइलेशन एरर को पढ़ें एक बार, क्या कह रहा है ना, और अगर रिजॉल्व कैन नॉट बी रिजॉल्व कह रहा है, इसका मतलब उसकी विजिबिलिटी नहीं है, वहां पे देख नहीं पा रहा है उसको, बनाया है आपने लेकिन देख नहीं पा रहा है, अगर देख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब उसकी विजिबिलिटी स्पेसिफायर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, विजिबिलिटी स्पेसिफायर जो कि इसकी डिफॉल्ट है, पैकेज लेवल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या था इम्पोर्ट के अलावा, अगर आप इम्पोर्ट ना करना चाहें तो, नहीं अलग ही पैकेज में है तो है? क्या पब्लिक तो आप चेंज ही कर देंगे ना बिना चेंज किए, मैं पॉइंट क्लास को टच, पॉइंट इंटरफेस को टच नहीं करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इंपोर्ट भी ना लगाऊं, तो एक कोई अल्टरनेटिव बताया था मैंने आपको, क्या हो गया, कंट्रोल प्लस और शिफ्ट की जगह मैंने कंट्रोल दबा दिया था, ओके, तो अब प्लस से बढ़ेगा नहीं है, ठीक है, कॉमन, अच्छे कॉमन अंडरस्कोर शेप, ये तरीका था, फुली क्वालिफाइड नेम आप यूज कर सकते हैं, बताया था, याद है, तो या तो इंपोर्ट लगाइए या फुली क्वालिफाइड नेम यूज करिए, ठीक है। तो मैं बेटर तरीका चूज करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं इंपोर्ट लगा देता हूँ, ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन इंपोर्ट, देखिए इंपोर्ट आ गया, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर यहाँ से चली गई, चली गई लेकिन कहीं और आ गई, ये अंडरलाइन शिफ्ट होके कहाँ आ गया, पॉइंट टू डी पे आ गया, ठीक है, जिस जगह अंडरलाइन है उसका भी मतलब है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब प्रॉब्लम पॉइंट के साथ नहीं है, पॉइंट विजिबल हो गया है, अब प्रॉब्लम पॉइंट टू डी यानी इसी क्लास के साथ है, क्या प्रॉब्लम है, द टाइप पॉइंट टू डी मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड पॉइंट डॉट डिस्क्राइब पॉइंट, पॉइंट में एक डिस्क्राइब पॉइंट मेथड हमने बनाया था जिसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी थी, यानी बॉडी प्रोवाइड नहीं करी थी, है ना, इसी को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो अब पॉइंट टू डी चूंकि कंक्रीट क्लास है, ये तो अलाउ नहीं करता कुछ भी बिना बॉडी के अपने अंदर, कोई भी बिहेवियर बिना बॉडी के अपने अंदर अलाउ नहीं करेगा, और अलाउ नहीं करने का मतलब है चाहे आप इस क्लास के अंदर उस मेथड को लिखे, चाहे वो इनहेरिट होकर वो मेथड आ रहा हो, दोनों के लिए इक्वली अप्लीकेबल है, बिना बॉडी के किसी मेथड को पॉइंट टू डी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट टू डी कंक्रीट क्लास है, प्रॉपर क्लास है, ठीक है, इसमें झोलमाल नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में कहे तो, ठीक है। अब इसमें आप अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ओवरराइड करके, इनहेरिट होके तो आ रहा है वो मेथड लेकिन अनइम्प्लीमेंटेड आ रहा है, तो उसको ओवरराइड करके आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी डिफिनेशन प्रोवाइड करिए, ठीक है, तब ये आपका जो पॉइंट टू डी क्लास है ये कंपाइल होने देगा कोड को, करेक्ट। अब इसको मैं देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एड अनइम्प्लीमेंट मेथड, आपको अक्सर बार जो होगा सजेशन आपको यही मिल जाएगा, आपको आप इसको क्या करो, जैसे ही आपने क्लिक करा देखिए नीचे कुछ इसने ऐड कर दिया है, ये वाला देखो ऐड कर दिया, क्या ऐड किया इसने, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस में एम्प्टी बॉडी बना दिया है, बॉडी बन गई मतलब इंप्लीमेंट हो गया, उसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन बॉडी बन गई तो इंप्लीमेंट हो गया। अब उसको सेंसेबल बनाने के लिए आप कुछ उसमें आपको कुछ बॉडी
कुछ कोड प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दिस इज अ टू डाइमेंशनल पॉइंट. ठीक है, ये कोड आपने लिख दिया इसके अंदर, राइट. क्या कह रहा है ये, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये ओवरराइड ही तो है, बिल्कुल ऐसा कह रहा है. Yes, तो मैं रिव्यू करके एक बार देखता हूँ, शायद पुराने कोड को मैंने चेंज किया उसकी वजह से कहीं कुछ इशू कर रहा है. करेक्ट, नहीं सेव करते ही प्रॉब्लम आ रही है इसको. आपके कोड में नहीं आ रही है? नहीं, मैंने असल में कुछ डिलीट उट किया है ना, हो सकता है उसकी वजह से कुछ मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही होगी. एक मिनट की मैं चेक कर लेती जाता हूँ. ठीक है, इंप्लीमेंट्स पॉइंट यहाँ तक ठीक है. थोड़ा सा ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है, कभी कभी आईडी भी परेशान करता है. अच्छा, पॉइंट मैंने शायद सेव नहीं करा है, ये रीजन होगा. पॉइंट टू डी नॉन रिसीव. ये रीजन था. देखिए अब आईडी आ रही ना, पॉइंट क्लास को मैंने सेव नहीं करा था, तो जो डिस्क्राइब पॉइंट मैंने वहां पे मेथड लिखा था अनइम्प्लीमेंटेड, वो उसमें पहुंचा नहीं. मतलब एक तरह से जब पहुंचा नहीं कंपाइल कोड में, तब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये इसको ओवरराइड मानने को तैयार नहीं था, ये एरर दे रहा था. ठीक है, दिस इज अ टू डायमेंशनल पॉइंट. ओके, अच्छा, तो अब इसमें इन सब चीजों को मैं जरा हटा दूं, सारी चीजें हैं इसके अंदर. सोर्स ये टेस्ट मॉड्यूल क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, ताकि मैंने अब तक जो कुछ करा है उसको मैं चेक कर पाऊं. ये सभी हटा देता हूँ, सारे इंपोर्ट हटा दिए मैंने. सिंपली टेस्ट मॉड्यूल क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है. ठीक है, अब अभी आपको बताया कि मैंने जब पॉइंट टू डी को ये लिखा कि इट इंप्लीमेंट्स पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट सुपर टाइप बन गया पॉइंट टू डी का. तो जैसे हम एक्सटेंड्स में इज अ रिलेशनशिप लगाते थे, सेम वे हम ये कह सकते हैं पॉइंट टू डी इज अ पॉइंट. ठीक है, एंड बिकॉज पॉइंट थ्री डी एक्सटेंड्स पॉइंट, तो पॉइंट जो इंटरफेस है वो पॉइंट थ्री डी का भी सुपर टाइप बन गया. तो हम कह सकते हैं पॉइंट थ्री डी इज ऑल्सो पॉइंट, वेर इज पॉइंट थ्री डी इज ऑल्सो अ पॉइंट टू डी. कंसेप्चुअल बात में कहें तो बस उसमें जेड डायमेंशन जीरो होना चाहिए, है ना, करेक्ट. ठीक है, अगर इधर रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर टेस्ट मॉड्यूल में फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोड, पॉइंट पी वन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट टू डी, ठीक है. क्या एरर आ रही है, एरर अंडरलाइन पॉइंट टू डी के अंदर है या पॉइंट पे है?
पॉइंट ओडी में है, पॉइंट में है। क्या कह रहा है देखिए, पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे पैकेज में पॉइंट है, इंपोर्ट लगाया आपने। अच्छा देखिए, यहाँ पॉइंट का दो आपको दिख रहा है, एक कॉमन अंडरस्कोर शेप जो हमारा पैकेज है उसके अंदर है, एक पॉइंट AWT से भी आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, है ना, जो कि बेसिक आपका ड्राइंग वगैरह एप्लीकेशन के लिए जावा प्रोवाइड करता है APIs, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं यूज़ करना है ना, हमें तो चूज करना है पहला वाला, है ना। तो आपको अगर मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको वो फुली क्वालिफाइड नेम के साथ दिखाएगा भी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन कि आप एक ही क्लास में इस पॉइंट को भी यूज करना चाहें और इस पॉइंट को भी यूज करना चाहें, ठीक है। तो इम्पोर्ट तो किसी एक के लिए ही काम करेगा ना, क्योंकि जब आप पॉइंट कहेंगे तो जो इम्पोर्ट लगा रखा है उसको उससे उसको रिजॉल्व करेगा। दो इम्पोर्ट सेम क्लास के लिए तो नहीं लगा सकते आप, है ना, क्योंकि पॉइंट कहेंगे तो जो हमारे कॉमन शेप्स के अंदर पॉइंट है उसका इम्पोर्ट लगा है तो उससे मैच करें, या फिर java.awt के अंदर है अगर उसका भी इम्पोर्ट लगा है तो उससे मैच करें, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम दो इम्पोर्ट लगा करके पॉइंट नहीं कह सकते, इम्पोर्ट एक का ही लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरे को भी यूज करना है तब आप क्या करेंगे, उसको फुली क्वालिफाइड नेम से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फुली क्वालिफाइड नेम जो आपको अलाउ कर रखा है वो इस पर्पज से कर रखा है, वरना तो इम्पोर्ट लगा के आप कर ही सकते थे, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये डिलेमा नहीं है कि मुझे दोनों यूज करना है। जैसे इम्पोर्ट लगाया, देखिए इम्पोर्ट ऊपर आ गया, यहाँ से कंपाइलेशन एरर चली गई, राइट। अब अगर मैं कहूँ p1.describePoint तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें, जो पॉइंट 2D क्लास के अंदर मैंने लिख रखा है, राइट, दिस इज अ टू डायमेंशनल पॉइंट, ये मिलेगा ना, करेक्ट। अब अगर हम इसको पॉइंट 2D की जगह से, फॉर एग्जांपल मैं इस कोड को रन देता हूं, P2 कर दे रहा हूं, यहां पे मैंने पॉइंट 3D लगा दिया, ठीक है, एरर कहां पे आ रही है, पॉइंट 3D पे आ रही है। क्या कह रहा है एरर, कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप विद पॉइंट 3D, कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, सिंपल, इंपोर्ट लगाया आपने, कंपाइलेशन एरर चली गई। नाउ p2.describePoint, इसका आउटपुट आपको पता है, दिस इज अ टू डायमेंशनल पॉइंट, इसका आउटपुट क्या होगा, ऑब्जेक्ट 3D पॉइंट का बन रहा है, क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो उसमें जैसा था वही छोड़ रखा है मैंने, कोई नया कोड नहीं लिखा है, दिखा देता हूं मैं कोड एक बार, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ये कोड है पॉइंट 3D का, हाँ। तो यानी पॉइंट 3D के बाद डिस्क्राइब पॉइंट जो मेथड आ रहा है किसके पास से आ रहा है, सबसे करीब की चेयर कौन सी है, पॉइंट 2D की, पॉइंट 2D के पास से आ रहा है, तो जो पॉइंट 2D कर रहा है वही चीज वो भी करेगा, इनिट होके तो वही आ रहा है, करेक्ट, सही है। तो पॉइंट 3D में चूंकि हमने डिस्क्राइब पॉइंट मेथड ओवरराइड करके रीडिफिनेशन उसकी नहीं दी थी, इसलिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सेम मिलेगा जो पॉइंट 2D के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब रीडिफाइन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, पॉइंट 3D के अंदर जा रहे हैं और आप यहां टाइप करिए डिस्क्राइब पॉइंट, ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है आपको, DES टाइप करिए, कंट्रोल स्पेस करिए, अपने आप दिखाएगा, क्लिक करिए, पूरा स्केलेटन आपके पास आ जाएगा। तो यहां पे आपको जो कोड चेंज करना है वो कोड चेंज कर लीजिए, क्या कोड लिखना है, system.out.println This is a three-dimensional point. ठीक है, करेक्ट।
अब आप उसमें चाहे तो कंटेंट ऐड कर दें कि तीनों डायमेंशन को प्रिंट भी करें ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड उसके लिए आपने इंप्लीमेंट कर रखा था तो कॉल भी भेज दें इसके नीचे, तो ये आपकी मर्जी, राइट। मैं तो बेसिक सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंट्रोल जा कहाँ रहा है, इतनी सी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब देखिए आपने ये टेस्ट मॉड्यूल वाला कोड तो चेंज नहीं करा है, ये तो एज इट इज है, सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड करके आपने टेस्ट डिस्क्राइब पॉइंट मेथड का प्रोवाइड कर दिया है। उस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा, दिस इज अ थ्री डायमेंशनल पॉइंट। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब तक हम हैबिचुअल थे सुपर टाइप में सिर्फ क्लासेस को एक तरह से देखने के लिए, राइट। अब हम ये भी पता चल गया हमको कि कुछ एक इंटरफेस होता है, और इंटरफेस का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक या एक से ज्यादा जितने चाहे मेथड डिस्क्राइब कर सकते हैं या बिहेवियर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो सारे सारे मेथड क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब उनकी बॉडी नहीं होगी, उनकी सिग्नेचर यानी फर्स्ट प्रोटोटाइप जो होती है लाइन, फर्स्ट लाइन, उसके आगे सेमी कॉलन से आप टर्मिनेट कर देंगे। अगर उसकी बॉडी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इंटरफेस में तो वहां कंपाइलेशन एरर आएगा। नॉर्मल क्लास में कोई भी मेथड बिना बॉडी के नहीं रह सकता, ना तो उसका अपना मेथड रह सकता है, ना तो ओवरराइड होकर के जो इंटरफेस से आ रहा है वो रह सकता है। यानी नॉर्मल क्लास में या कंक्रीट क्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ओवरराइड करके, करेक्ट। बात क्लियर है? फाइन। अब मैं अगर कोड ऐसे लिखूं कि पॉइंट पी वन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट टू डी की जगह मैं पॉइंट रिप्लेस कर दूं, पॉइंट जो इंटरफेस था, तो क्या कोड कंपाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं, क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या डिपेंड करना पड़ेगा बेटा, समझा नहीं मैं। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो डिफाइन करने के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट पी वन, ठीक है, और पॉइंट टू डी की जगह मैं पॉइंट रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अक्सर लोग जो जो इंटरफेस से फैमिलियर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दैट ट्रू रीजन। जब भी क्वेश्चन पूछूंगा तो यस और नो में आंसर नहीं होगा, फिर उसके यस और नो के बाद उसके बाद कुछ आगे बताओ भी तो भाई। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मैं इसको पॉइंट कर दूं, हाँ बता बेटा। हाँ, पॉइंट क्लास के अंदर एटलीस्ट कोई तो मेथड होगा जिसकी बॉडी डिफाइंड, पॉइंट इंटरफेस के अंदर कोई तो मेथड होगा जिसकी बॉडी डिफाइंड नहीं है। जब बॉडी डिफाइंड नहीं है तो पी वन डॉट डिस्क्राइब कहाँ ले जाएगा कंट्रोल को? पॉइंट टू डी था तो उसको पता है कि पॉइंट टू डी कंक्रीट क्लास है, ये बिना इंप्लीमेंटेशन के कोड कंपाइल होगा ही नहीं पॉइंट टू डी का, तो ये गारंटी है कि उसके बाद बॉडी होगी, तो वहां तक तो ठीक था, पॉइंट थ्री डी तक भी परफेक्टली फाइन था, लेकिन पॉइंट इंटरफेस है वहाँ पे तो ये गारंटीड है कि आप बॉडी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो जब बॉडी प्रोवाइड आप किसी मेथड की या बिहेवियर के नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी आप अगर ऑब्जेक्ट आपको अलाउ कर देता कंपाइलर फर्स्ट लेवल चेक आपको छोड़ देता और ऑब्जेक्ट आप रन टाइम इसका बना लेते, तब क्या होता, ये पी वन डॉट डिस्क्राइब पॉइंट क्या करता, ये जाके चक्कर में पड़ जाता कि मैं किस मेथड को कॉल करूँ, करना क्या है मुझे, है ना। तो द लैंग्वेज इज अ स्मार्ट लैंग्वेज, उसको पता है, वो आपको कंपाइल पर ही रोक ले रहा है ताकि रन टाइम में आप इस चीज़ को चेक करने में टाइम वेस्ट आपका ना हो, यानी सीपीयू साइकिल वेस्ट ना हो। तो जितने काम कंपाइल टाइम में पुश हो जाते हैं किसी लैंग्वेज में, समझ लीजिए लैंग्वेज उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रही है परफॉर्मेंस के लिए, समझ रहे बात। जेनरिक्स जो आपको बताया था टाइप स्ट्रिंग टाइप चेक लगाने के लिए, कि आप अगर जेनरिक्स यूज कर रहे हैं और आपने कहा कि एक लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है तो उसमें आप एनिमल नहीं डाल सकते, तो वो क्या कर रहा है, वो कंपाइल टाइम पे ही चेक कर रहा है ना। बिना जेनरिक आप यूज किए करें तो उसका उसका टाइप क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब हर तरह के ऑब्जेक्ट उसमें जा सकते हैं, तब वो रन टाइम में चेक होगा, है ना, किस करके उसको भी दिखा देंगे। और जब रन टाइम में चेक होगा तो इसका मतलब सीपीयू साइकिल आपका इस चीज को चेक करने में वेस्ट हो रहा है, जैसे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन वगैरह में होता है, पाइथन आर इन सब लैंग्वेजेस में होता है ना, वो रन टाइम में चेक कर रहा है उसको, आप टाइप डिक्लेयर नहीं करते, टाइप डिक्लेयर ही नहीं करते इनफैक्ट वेरिएबल का, राइट। आप सिंपली बोलते हैं ए इक्वल टू फाइव भी कहेंगे, ए इक्वल टू डबल कोट में स्ट्रिंग भी लिख देंगे, जो लोग पाइथन से फैमिलियर है या आर से फैमिलियर है, ए इक्वल टू डाटा फ्रेम भी बना सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप, राइट राइट। तो वो तो रन टाइम में चेक कर रहा है ना एक्चुअली इसका टाइप क्या है, है ना। स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज में आपने चीजों को कंपाइल टाइप में जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहां पे प्रोटेक्ट करके चेक कर लिया, अब रन टाइम में वो चेक जा करके दोबारा से उस पॉसिबिलिटी की खत्म हो गई उस प्रॉब्लम की, तो वो दोबारा चेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब कोड ऑप्टिमाइज रहा कम काम करके, फास्टर रहा, ठीक है। इसीलिए लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए आप पाइथन को इंटरप्रेटेड वे में कोड करके आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन
एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए उसको यूज कर पाए, जिसको मल्टी थाउजेंड हिट्स लेने हैं पर सेकंड से, इस तरह से ठीक है नहीं आप एफर्ट कर सकते, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो इतने भी रुकते हैं, ठीक है।